एक कोई मुफ्ती सलमान अजहरी है कोई, वो बुला रहा है मुझे दिल्ली में अग्नि परीक्षा के लिए। उसने मुझे चुनौती दी है कि मैं हिंदुओं के धर्म ग्रंथ लेकर आऊं, और वो अपना जो उनका क्या है कोई गुंडों की किताब है ये कुरान नाम की, उसे लेकर आएगा, ये लुटेरों की जिहादियों की जो किताब है, और वो कह रहा है आग जलाई जाएगी उसमें से, वो भी निकलेगा मुझे भी निकलना पड़ेगा। मैं इस जंगली जाहिल लुटेरे की चुनौती स्वीकार करता हूं। मैं इन मौलानाओं को आदमी नहीं मानता, असल में ये गुंडों के गिरोह के सरदार हैं। और मैं जानता हूं कि इस्लाम में तर्क से कुछ नहीं हो सकता, इस्लाम ने ना तर्क से किसी को जीता और ना ही इस्लाम में कोई तर्क है। ये अपने मूर्ख लोगों को जो इनके फॉलोवर हैं उन्हें मूर्ख बनाते रहते हैं जोर जोर से चिल्लाकर, लेकिन इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। मेरी इस मौलाना को चुनौती है, यदि ये वास्तव में इसे अपने अल्लाह और मोहम्मद पर विश्वास है तो मैं कोई धर्म ग्रंथ लेकर नहीं आ रहा, मैं केवल अपनी माँ और महादेव के नाम को अपने दिल में लिखवा कर ला रहा हूं, और जहां भी ये कहे मैं वहां आकर अग्नि परीक्षा देने को तैयार हूं। ये ताज़ा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सादिकुल वादिल अमीन। हज़रात मोहतरम, आज थोड़ी देर कबल हिंदुस्तान के सबसे बड़े आतंकवादी नरसिंहानंद ने एक छोटी सी वीडियो ट्वीट करके और मुझे भिजवाई है। मेरे मोबाइल के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए उसने कहा है कि मैं मुफ्ती सलमान अजहरी की चुनौती को स्वीकार करता हूँ। तो अब सुनो, ये बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए कि अब तक गुफे में बैठकर जो गीदड़ भौंकता था वो आज बाहर आने की हिम्मत दिखा रहा है। और याद रखना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी अपने उसी मोबाइल के चैलेंज पर बरकरार हूँ, और इंशाअल्लाह उल अजीज एक कदम भी पीछे नहीं हटाऊंगा इंशाअल्लाह। अब ये कहता है तारीख बता, दिन बता और जगह बता, तो सुन ले। दिन तो जगह तो तेरे चेले ने खुद ही बताया था दिल्ली के रामलीला मैदान में आने की, ये बात मैंने नहीं कही थी। तारीख दिन मेरा होगा, जगह और परमिशन के मामलात तेरे होंगे, ये पहले वाली वीडियो में भी मैंने स्पष्ट किया है। इसलिए मैं इस पर जोर दे करके कह रहा हूं कि हुकूमत की सारी पुश्त पनाई तुम्हारे साथ है, यह हमें अच्छी तरह से मालूम है। और अगर ऐसा ना होता तो तुम खुले सांड की तरह घूम नहीं रहे होते आज। बार बार मेरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान को निशाना बनाता है ये, इसको साधु और संत कहते हुए शर्म आती है, ये पाखंडी है और एक बहुत बड़ा जहर है हिंदुस्तान के लिए जो मुसलमानों में और हिंदुओं में लड़ाने का तय करके बैठा हुआ है। मेरे अजीजों, इसने आज की वीडियो में भी जो जवाब दिया है उसमें फिर से कहा कुरान को गुंडों की किताब, मुआज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निशाना बनाता है। खैर ठीक है, तूने स्वीकार किया है तो अब मेरी बात सुन ले, परमिशन तेरी तरफ से होगा और तू परमिशन रामलीला मैदान दिल्ली का लाता है, ठीक है, मुझे उस परमिशन के मामलात सारी चीजें तू पहले भेज दे। दिन, तारीख और तू सुनना चाहता है वक्त तो सुन ले, इसके लिए भी और मेरे अजीज मुसलमानों के लिए भी। ऐ मेरे अजीज मुसलमान, तमाम उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गयूर मुसलमानों, मैंने तारीख अकाबिरीन से मशोरा करके ये तय किया है, इंशाअल्लाह अजीज इसी माह रमजानुल मुबारक के 17वीं तारीख को यौम बदर यौमुल फुरकान, अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 30 अप्रैल 2021 को जुमा का दिन आ रहा है, इंशाअल्लाह अजीज ये फकीर कादरी हाजिर होगा। दिन फिर से सुन ले, मेरे रमजानुल मुबारक की 17 तारीख यौम बदर यौमुल फुरकान और 30 अप्रैल 2021 को मैं अपनी जानिब से तारीख तुझे भेज रहा हूं, और तू परमिशन के मामलात आज ही से तैयारी करना शुरू कर दे, या जैसे भी परमिशन के मामलात होंगे तो मुझे फौरन जैसे आज वीडियो भेजा है उसी तरह से भेजेगा। और दूसरी बात, अब जो मुबाहला होगा जो मैदान में उतरा जाएगा
अब सुन ले उसके मामलात। मैं अपने इस्लामी उसूलों के मुताबिक मुबाहले के जो उसूल हैं उस पर अमल करूंगा इंशाअल्लाह नज़ीर। मैं पहले मैदान में उतरूंगा और फिर इत्माम हुज्जत के लिए सामने बैठूंगा। एक बार फिर से तुझे मैं इस्लाम की हक्कानियत, कुरान अजीम की शान, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अजमत तेरे सामने फिर से बयान करूंगा। और तू फिर से अगर इनकार पर इनकार करता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में मुगल्लज़ात बकता है, कुरान अजीम और इस्लाम को निशाना बनाता है, उसके बाद इत्माम हुज्जत खत्म हो जाएगी। मेरी तरफ से जो तुझे इस्लाम की हकानियत बतानी थी वो मुकम्मल होने के बाद तू भी बैठ जा, मैं भी बैठता हूं। तूने कहा है ना कोई चीज नहीं लेकर के आऊंगा, देवी को और माँ को अपने अंदर लेकर के आएगा। बहरहाल जिस देवी और देवता की तू पूजा करता इबादत करता है तू बैठ करके अपनी देवी और देवताओं को पुकारेगा, और मैं अपने रब्बे जुल जलाल खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल इज्जत को पुकारूंगा और मैं ये अर्ज करूंगा कि ऐ अल्लाह इसमें जो झूठा है उस पर तू लानत भेज और उसको तू अपने अजाब का निशाना बना दे। इंशाअल्लाह लजीज ये सिलसिला चलता रहेगा और उसके बाद फिर जो तेरे लिए अग्नि परीक्षा है वो भी बाकी रहेगी इंशाअल्लाह लजीज। ये उसूल हैं मुबाहले के। अब फिर मैं यहां पर कुछ चीजें जरूर अर्ज करूंगा। जाने से कबल एक और बात इस पाखंडी के लिए, नरसिंहानंद के लिए, कि तेरी भी बॉडी टेस्ट होगी, मेरी भी बॉडी टेस्ट होगी। तेरे भी कपड़े चेक किए जाएंगे, मेरे भी कपड़े चेक किए जाएंगे। कोई चीज लगा करके नहीं आया जाएगा, हम इसी तरह से आएंगे। और कितने लोग रहेंगे इसको अगली मर्तबा में हम तय करेंगे। और याद रखना, शरारत करने की कोशिश नहीं करना। अगर तू अपने गुफे से बाहर आने की हिम्मत दिखा रहा है तो फिर से मैं तुझे कहता हूं बुज़दिलों और कायरों की तरह से शरारत नहीं करना। जिस तरह तू अपने गुफे में बैठ करके आम भोले भाले हिंदुओं को हथियार से लैस होने की दावत देता है, लड़ाने के लिए उभारता रहता है, इस तरह अगर तूने दिल्ली में रायट्स करने की कोशिश की, हिंदू मुसलमान फसादात करने की कोशिश की, इसका सारा जिम्मा तेरे सर पर होगा। इसलिए कि मैं हिंदू मुसलमान लड़ाई का फसाद का हल नहीं हूं। मेरी लड़ाई आम लोगों से नहीं है, सिर्फ तेरे से है, तुझ पाखंडी से है, जो तू अपने मुगल्लज़ात के जरिए से इस्लाम को और कुरान को और मेरे अका को निशाना बनाता है। सबको मालूम है तू सियासत के लिए ये तमाम चीजें इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन आज बात आ गई है मेरे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। तू क्या समझता है कि इस्लाम ये कोई खेल है, आजकल का आया हुआ एक दीन है? इस्लाम तो उस दिन से है जिस दिन पहले इंसान ने इस धरती पर कदम रखा है। मेरे रब्बे जुल जलाल का हर घड़ी इंशाअल्लाह अजीज एआनत का वादा है कुरान पाक में और मुझे यकीन कामिल है। और जो बातें मुझे अर्ज करनी है परमिशन तू लेकर के हमें भेजेगा और तारीख मैंने तय कर दिया। फिर एक बात, तू जलकर मर गया तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी, ये भी लिख करके पहले से दे देना किसी एडवोकेट के जरिए से बना कि मैं अपनी खुशी से जल करके मरना चाहता हूं, इसलिए कि बाद में तेरे जल कर मरने के बाद ना ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर होगी और ना ही किसी मुसलमान पर होगी। और इंशाअल्लाह लजीज मुझे यकीन है मेरे दीन पर।